नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद हैप्पीनेस के इस हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, एक क्वेरी आ रही थी काफ़ी लंबे समय से, प्रोविजन पीरियड के बारे में बताएं कि ये सरकारी नौकरी में जो होता है, कई लोग जो हैं डरे हुए हैं, जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, चाहे रेलवे हो, जहाँ पर भी सरकारी नौकरी की बात आएगी प्रोविजन पीरियड होता ही होता है। अब वो डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक साल का है या फिर दो साल का है। अगर हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोविजन है वो एक साल का है, मगर बाकी जितनी भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे आपको दो साल तक का मिलेगा। तो कई लोग डरे हुए हैं कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्या होगा छोटी सी गलती होने पर भी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, क्या होगा क्या नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के अंत में ये डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये लाइक करना है या नहीं करना है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रोविजन पीरियड होता क्या है? एक तरीके से परखावधि, यानी कि आपको परखा जाता है कि क्या आप गवर्नमेंट जॉब करने के लिए सूटेबल हैं या नहीं। आप कहेंगे एग्ज़ाम दे के ये चेक तो हो गया, एग्ज़ाम आपने दिया था, अपनी एजुकेशन बताई उन्हें, है ना, कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, इसके बाद आपने एक परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद जो है आप पहुंच गए। मगर कहीं पर भी यहाँ पर आपका रवैया चेक नहीं किया गया है। रवैया का मतलब ये कि जब आप सर्विस के अंदर आ जाएंगे तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा सीनियर्स के प्रति अपने, और जहाँ पर पब्लिक डीलिंग होगी वहाँ पर पब्लिक के प्रति, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। सिर्फ नॉलेज से कुछ नहीं होता है दोस्तों, नॉलेज के साथ आपका एटीट्यूड भी अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल देके आपको राम और रावण का बता ही देता हूँ। रावण जो हैं वो ज़्यादा बुद्धिमान थे राम से भी, मगर उनका एटीट्यूड और ये सारी चीज़ें आपको पता ही है वो किस तरीके से डिफर कर रहे थे उन चीज़ों से। तो यही गवर्नमेंट सर्विस के अंदर भी है, भले ही आपके पास नॉलेज है, आपने एग्ज़ाम पास करके आया है, फिर भी जो आपके सीनियर्स होते हैं, जो आपके इंचार्ज होंगे, जिन्हें आप रिपोर्ट करेंगे, तो वो जो है आपकी एक रिपोर्ट होती है, वो साल में एक बार भरी जाती है, जिसे कहा जाता है जो आपकी प्रोविजन वाली जो रिपोर्ट होगी ना, मतलब पहले साल भी भरी जाएगी, दूसरे साल भी भरी जाएगी, और उसमें उस रिपोर्ट के बाद ये डिसाइड होता है कि आपको कन्फर्म करना है या नहीं करना है। वो आपका जो रिपोर्टिंग अफसर होगा वही रिपोर्ट भर के भेजता है। फिर अब बात ये आई कि आपसे अगर कोई गलती हो गई तो क्या आपको निकाल दिया जाएगा। दोस्तों देखिए, किसी भी ऑफिस के अंदर पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब जो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो तो ठीक है, मगर जैसा मान लीजिए आपने एक लेटर टाइप किया, मतलब देखिए उन्होंने मुझे मेल में तो ये बताया था कि अगर मान लीजिए लेटर में कोई गलती हो जाती है तो क्या नौकरी से निकाल देंगे। दोस्तों देखिए, आपने निकाला, फिर ऊपर वाला जो अफसर होगा वो उसे चेक करेगा, फिर उसके ऊपर जाएगा, मतलब सब कुछ चेक होने वाला है। ठीक है, आप ये सोचें कि सिर्फ आपकी एक गलती पर निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। और दोस्तों, आप एक लोकतंत्र में जी रहे हैं, डेमोक्रेसी है, यहाँ पर किसी भी एक पर्सन के पास पावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो भी होता है वो कमेटी के द्वारा होता है और कमेटी डिसीजन लेती है। अगर आपने जॉब पाली है और आपको जॉब से निकालना भी है तो कोई एक पर्सन नहीं निकाल सकता, उसके लिए पूरी एक कमेटी का गठन होगा, वो डिसाइड करेगी कि क्या ये इतना बड़ा ब्लंडर था, इतनी बड़ी गलती हो गई आपसे कि उसके लिए आपको नौकरी से निकाला जाए। तो ऐसी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, नौकरी वोकरी की टेंशन मत लीजिए, और बस हाँ, अपना जो रवैया है वो थोड़ा सा अच्छा रखिए, जो आपके सीनियर्स हों या फिर पब्लिक डीलिंग मिलती है तो वहाँ पर भी, कि एक जो है पोलाइट वे में बात करने का एक तरीका होना चाहिए, उसी तरीके से बात कीजिए। ठीक है, अगर आपको मतलब कुछ, आप डायरेक्टली जो है ना ब्लंटली कुछ नहीं बोल सकते कि हाँ भाई ये हो गया वो हो गया। ठीक है, हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है। देखिए, सभ्य आदमी जो है ना अपनी सभ्य भाषा में ही बहुत कुछ कह जाता है लोगों से। ठीक है, अगर किसी की बेइज्जती भी करनी होती है तो इसलिए आपको जो है अपनी भाषा पर, अपने शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान देना है इन सब चीज़ों में। और रही बात, ऐसा भी नहीं है कि प्रोविज़न आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, ये भी सोच एक गलत है। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरीके, आपने देखा ही होगा यार कि रिश्वत लेके पकड़ा गया आदमी, उसे फिर सस्पेंड किया गया, जाँच बैठी, ये हुआ। तो देखिए, सर्विस के अंदर आप जा रहे हैं तो ये चीज़ तो हमेशा रहती ही है, आप एक लोकतंत्र का पार्ट हैं, आप कोई राजतंत्र का पार्ट नहीं है कि आपने एक बार जो आपको मिल गया वो फिर हमेशा के लिए हो गया। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा, प्रोविजन पीरियड के अलावा, आपको क्योंकि प्रोविजन के बाद आप कन्फर्म तो हो गए, मगर आप फिर कहीं वो ना करने लगे, अपना मतलब रूलिंग ना चलाने लगे, या फिर आपको ये ना लगने लगे कि आपकी नौकरी पक्की हो गई, अब आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसके लिए भी यहाँ पर एक सरकारी नौकरी के अंदर एक व्यवस्था की गई है
जिसे ACR कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, जो कि साल में एक बार भरी जाती है, वो आपके रिटायरमेंट तक भरी जाएगी, ठीक है। तो उसमें उस रिपोर्ट के अंदर जो है आपका यही सारी चीज़ें दी जाती है, मार्किंग दी जाती है, 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं आपको, हो सकता है 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, वो आपके वर्क कैसा आपने वर्क किया, कैसा नहीं किया, और आपका कैसा रवैया था अपने सीनियर्स के प्रति, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर देखी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है इसका डर खत्म हुआ होगा, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई वर्ड टाइप कर दिया, गलत टाइप कर दिया, उसकी वजह से कोई नौकरी से आपको निकाल देगा। मगर हाँ, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, उसे आपको पूरी जिम्मेदारी से निभाना है, ठीक है। तो अब बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर लाइक दबाएंगे, और फीडबैक, अपनी प्रतिक्रियाएं आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और अगर कोई और भी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखिए, मेरे वीडियो मुझे क्या बनाने हैं ये डिसाइड होता है आप लोगों के कमेंट से, आप लोगों की क्वेरी से। तो आप ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों को नए नए सब्जेक्ट पर जो है वीडियो मिल पाएँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।